अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअरों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज की बेहतरीन वीडियो करिंदा पे शुरू, और वीडियो शुरू करने से पहले आप कर लें चैनल नू सब्सक्राइब, ते आपको बड़ी मज़ेदार और बहुत चंगी वीडियो दिखाइयां इंशाल्लाह। ये उठ बैठा है हूँ, उठ उठेगी बुड़कदा पे। आज दी वीडियो दे विच दोस्तों आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, आगे चलकर बा एक दो मिनट के बाद आप देखना कि बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, और वो देखना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये मेरी वीडियो किवें लगी है। इंशाल्लाह इन आर दी वीडियो मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। आप दोस्तों का मैं बेहद मशहूर हूँ, आपने मेरे साथ बहुत तावन किया है, आपके तावन का बेहद शुक्रिया। इंशाल्लाह बड़ी बड़ी मज़ेदार वीडियो मैं बनाता रहा सा और आपको दिखाता रहूँगा। ये हमारी बकरियाँ खड़ी हैं, कुछ अंदर कोठे में खड़ी हैं, इनमें दो ब्रीडर खड़े हैं, यानी छेले। एक ये अपना शेर को खान रहा है और दूसरा इधर खड़ा है, ये काला भी ब्रीडर है, ये इसको भी खनो रही है। ये बकरियां हैं, इस पर ठोरे दिलातन पतन के ये गुडांदा वद है। ये बकरी आज सुई है, इसने बच्चा दिया है, यानी नर है, बहुत खूबसूरत। ये बहुत नस्ली छेला है ब्रीडर, और इसके सामने जो बकरी खड़ी है वो इंशाल्लाह दो त्राए दिन के अंदर सू जाएगी, हमारे बच्चे को जन्म देगी। और ये देखो हमने इनका गोबर इकट्ठा किया, वो फिर दोबारा उसको खंडा रहा है। एक ट्राली हमने इधर खड़ी की हुई है और दूसरी जो है घर खड़ी है, हमारी दो ट्रैक्टर और दो ट्राली हैं। ये हमारी गंदा में माशाल्लाह बहुत अच्छी पई है, इसको पानी हम लगा रहे हैं, और इधर से आपको आवाज़ भी टक टक की आ रही होगी। दूसरे हमारे जो गंवाढ़ी हैं, पड़ोसी हैं, उनका पिस्टर स्टार्ट है, वो कणा को पानी लगा रहे हैं। हमने कुछ कल लगाया और कुछ आज लगाएंगे। आज थोड़ी थोड़ी सी गर्द आलूदा है, यानी धुंध वगैरह है, आपको नज़र आ रही होगी सामने से। बहुत अच्छी गंदा मैं अभी ये सिट्टा निकाल रही है, कहीं कहीं निकल गया और कहीं कहीं से निकाल रही है। ये छिले आपस में लड़ रहे हैं, देखें एक दूसरे पर खड़े होकर आते हैं, उठ उठ कर आते हैं। अब देखें वाह जी, वो दीवार पर चढ़ा है, कोठे पर चढ़ा है छेला, अब नीचे उतर आया है। फिर दूसरा काला छेला जो है इसके साथ ये लड़ता है। अब ये देखे उठ उठ कर आ रहा है, अब वो सफ़ेद की बारी है, वो उठ कर आएगा। नहीं, वो बड़े छेले को देखकर वो रुक गया है। तोड़ा ऊँटनी को ले रहा है, दूध पी रहा है, नहीं बस हम बोलते भी इस तरह है ना। उर्दू हमारी मेरी जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर भी है, और टैट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इधर ऊँट खड़ा है, ये मिसा खा रहा है, और ये देखो छोटा अपनी माँ का दूध पी रहा है। इन दिनों में मक्खी का मौसम होता है, और मक्खी जो है वो जानवरों को बहुत तंग करती है। देखिए ऊँटनी को तंग कर रही है मक्खी, और ऊँटनी जो है अपनी लतें मार मार कर उसको भगाने की कोशिश करती है। देखें अभी लत मारेगी, मक्खी बहुत ज़्यादा तंग कर रही है ऊँटनी को। ये देखे लत अगली मारी है, फिर मार दी है, फिर पिछली लत मारेगी, नहीं अभी तक पिछली लत को उसने नहीं उठाया। इधर ये ऊँट जो ये आराम से खड़ा है। आज हमने कणा को पानी लगाना है, तो अभी पीटर स्टार्ट करवाते हैं, फिर कणा को पानी लगाएंगे। इधर हमारी गाय जो आराम से पट्टे खा रही हैं,
ये दो गाय भी और ये दो भी हमने जोड़ा जोड़ा करके बांधा हुआ है। एक एक अलहदा ना इनकी खुरानी जो पट्टों से भरी पड़ी है, घास वगैरह खा रही हैं, और दो इधर खड़ी हैं और दो इधर भैंसे हैं, एक कट्टा है और एक भैंस है। इधर हमारी खोती भी है। हमारे पट्टों का ये नुकसान करते हैं कुकड़ मुर्गे, जो पट्टा नहीं कोंपल निकालता है तो ये ऊपर से काट लेते हैं। तुझे क्या बेटा करी थे डांस बैठा। ये हमारा पीटर है, ये ट्वेल है, इसको हम अभी स्टार्ट करेंगे फिर आपको दिखाएंगे किस तरह पीटर स्टार्ट होता है। ये हमारा खुआ है, बहुत ही गहरा है, देखें भाई शाबाश, बहुत ही गहरा खुआ है। और ये सामने इसका चला बना हुआ है बच्चा है, इसकी पानी आएगा यहाँ से फिर आगे लगाएंगे कणक को। ये इसकी सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, आप देख रहे हैं ये सीढ़ी है, ये है इस तरह नीचे। पीटर स्टार्ट करी दें, पैंट वेल चलाना है, कणक पानी लगाना है। देखते हैं कि स्टार्ट हो गया। पहले गेड़े पे स्टार्ट हो गया, इधर देखते हैं पानी आता है कि नहीं, अभी तक नहीं आ रहा पानी। थोड़ी सी रेस दे रहा है, फिर आएगा पानी, देखते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, अब फुल आ गया पानी, अब पानी फुल आ गया। चलो धामला ने दिखाओ भाई, बच्चे भी खुश हो गए, पानी आ रहा है। बच्चा इधर अपने गलामे को खा रहा है। दोस्तों आज मेरी ड्यूटी लगी हुई है बकरियां चरावण से, दरेड़ से बकरियां गिनाया, बकरियां चरेंदे पाया है। तो बकरियां आज दिखाने हैं कितनी है बकरियां और कीमे करके चर दी हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी नस्ल दी बकरियां, कुछ लिख लोती हैं, कुछ यानी खिंडी हुई हैं, कोई कैस साइड थे कोई कैस साइड थे। वो बकरी खलोती है बेर की टीणी ने वाह के उस बेर न खाँदी पई है, बाकी जड़ियाँ घाह वधिया चर दी हैं। ये छेला जड़ा इधर मलिया मैं इस भजा करना हट रे, ये छोलें छोलें च नहीं बैना, इधर मैं भजाया पे तो छोलें च नहीं बैना। ये घा चर ब सोनी थार के टेक के चर दी आनी बकरियाँ व्यूरो वेखो, तो मैं जूम करके विखा व्यूरे वेखो, सिर सट के अला बारिश दिखती दरेड़ उत्ते घा शाह काफ़ी बन गया है। बकरियाँ आने अलहमदुल्ला रज के आनी काफ़ी सारी बकरियां, भी पंजी बकरियां हैं, कुछ वे छोड़ियां ते तकरीबन भी बावी रह गई हैं, कई बीच गबना भी हैं, कई हूँ सूण वाली हैं लिहाड़ू ती सू वैसे, कई पंद्रह भी हरियाँ ती सू वैसे, अल्लाह रल ऐसने होर ना रल वैसे इंशाल्लाह। ये बकरी सूण वाली है तकरीबन दो त्रै हरियाँ ती इंशाल्लाह सू वैसी, बहुत सोहनी अच्छी नस्ल है। ये ब्रीडर खलोता परली साइड ते जंडी के उत्ते मूँह खला मरीदा है, बहुत अच्छा ब्रीडर है। आज दी वीडियो का करीने इख्तिताम, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत चंगी लगी हो सी, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करे। सो सूरज बिल्कुल गरूब हो रहा, बिल्कुल सामने वेख लो तकरीबन 10-15 मिनट बाद गरूब होवे सी, शाम हो रही है। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपने चैनल का ख्याल रखना, सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो ओके, अल्लाह हाफिज़।